क्या करेगा एक आदमी जब उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी का एक गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हम कॉनी नाम की एक औरत को देखते हैं जो एक स्कूल में टीचर थी और उसका चार्ली नाम का एक बेटा भी था। उसका पति एड एक अमीर बिजनेसमैन था जो हमेशा काम ही करता रहता है, जिसके बाद एड चार्ली को ऑफिस के लिए जाने लगता है जिससे वो स्कूल ड्रॉप कर देगा। और वो देखता है कि बाहर तेज हवा चल रही थी, इसीलिए वो कॉनी से कहता है कि आज तुम्हें घर ही रुक जाना चाहिए। लेकिन आज उसकी स्कूल में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी थी, इसीलिए उसे जाना ही होगा। जहां वो जे से ते से चलते हुए जाने लगती है, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और कोई टैक्सी वाला भी उसे बिठा नहीं रहा था कि तभी अचानक वो एक आदमी से टकरा जाती है और उन दोनों का सामान गिर जाता है। उस आदमी का नाम पॉल था और वो कॉनी की मदद करने लगता है और उसके लिए एक टैक्सी रोकने की कोशिश में लग जाता है। तभी वो देखता है कि कॉनी के घुटनों में चोट आ गई थी, इसीलिए वो उसे अपने अपार्टमेंट में ऊपर बुलाता है, जहां कॉनी देखती है एक टैक्सी वहां से गुजर रही थी। लेकिन वो उसे रुकने को नहीं बोलती और पॉल के साथ ऊपर चली जाती है। वो देखती है कि वहां पर कई सारी किताबें पड़ी थीं और वो उनको बेचने का काम करता था। जिसके बाद जब पॉल के बाथरूम में कॉनी अपनी चोट पर मरहम लगा रही थी, तो बाहर पॉल उसके लिए चाय बनाने लगता है। जब कॉनी बाहर आती है तो वो दोनों थोड़ी बातें करते हैं, एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। और जब कॉनी पॉल के फोन से उसके बेटे चार्ली को बता रही थी कि आज वो उसे लेने नहीं आ पाएगी, तो अचानक उसके घुटनों पर पॉल बर्फ रख देता है, जो कॉनी को थोड़ा अनकंफर्टेबल कर देता है, जिसके बाद वो कहती है कि अब उसे जाना होगा। लेकिन जाने से पहले पॉल उसे उसकी तरफ से एक किताब देना चाहता था और जब कॉनी ने उसके एक पन्ने को पढ़ा तो उसमें एक कविता लिखी हुई थी। और पॉल उसके करीब आने लगता है, जहां कॉनी हड़बड़ा के वहां से चली जाती है और जल्दी से एक ट्रेन में वापस घर आती है। और जब चार्ली उसके घाव को देखता है तो वो उसके कैमरे से उसकी माँ की एक फोटो खींचता है और घर आने पर उसके डैड को बताता है, जहां जब कॉनी ने उसे पॉल के बारे में बताया कि उसने उसकी मदद की, तो एड कहने लगता है कि तुम्हें उसका शुक्रिया करने के लिए एक वाइन की बोतल भेजनी चाहिए। उस रात एड उसके नए कैमरे से कॉनी को शूट करता है और फिर वो दोनों प्यार करने लगते हैं कि तभी चार्ली उनको आवाज लगाता है और एड मजबूरी में आधा काम छोड़ के जाने लगता है। अगली सुबह जब चार्ली को स्कूल भेजने के बाद कॉनी पॉल की उस किताब को पढ़ रही थी, तो उसके अंदर से एक चिट्ठी निकलती है जिसमें पॉल का नंबर था। जहां जब कॉनी काम पर जा रही थी तो रास्ते में एक पैड फोन से वो पॉल को कॉल करके उसका एड्रेस मांगती है ताकि वो वाइन की एक बोतल उसे भेज के। लेकिन पॉल उसे उसके घर पर आने को कहता है और कॉनी मान भी जाती है। जहां जब वो उसके अपार्टमेंट तक आती है तो पॉल उसके कोट को उतारता है और फिर उसके लिए कॉफी बनाने चला जाता है। और कॉफी पीते हुए जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो पॉल कॉनी का हाथ पकड़कर उसे अंधे लोगों की एक किताब पढ़ाने लगता है, जहां कॉनी उसके साथ काफी एंजॉय कर रही थी। लेकिन उसे ये गलत लगता है और वो वहां से जाने लगती है। कॉनी सीधे उसके पति की ऑफिस में कुछ शॉपिंग करके जाती है, जहां एड के लिए काम करता बिल नाम का भी एक आदमी मौजूद था जो कॉनी को अच्छे से जानता था। कॉनी एड को एक स्वेटर देती है जिसे वो वहीं पहन लेता है कि तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो उसके एक कर्मचारी पर चिल्लाने लगता है, जहां इसी चक्कर में वो कॉनी पर ध्यान नहीं देता और फिर कॉनी उससे झूठ भी बोलती है कि आज काम पर उसने गैलॉर्ड नाम के उनके एक दोस्त को चूना लगा दिया। घर पे रात को डिनर के बाद जब कॉनी बर्तन धो रही थी तो एड नोटिस करता है कि वो किसी ख्यालों में डूबी हुई थी, जहां वो उसे बुलाए बिना ही सोने चला जाता है। अगले दिन फिर कॉनी पॉल के पास जाती है और वो उसके साथ डांस करने लगता है, जहां पॉल धीरे धीरे उसके और भी करीब आ रहा था और कॉनी कोई उल्टा कदम नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए वो चली जाती है। लेकिन तुरंत वापस अपने कोट को लेने आती है और तभी पॉल उसे पकड़ लेता है और कॉनी को उसके बिस्तर तक ले जाकर उसके साथ अपनी हवस मिटाने लगता है, जहां कॉनी उसे पहले तो रोकती है लेकिन बाद में उसे भी मजा आने लगता है। जब वो ट्रेन से घर वापस जा रही थी तो बाथरूम में जाकर वो खुद को साफ कर देती है ताकि उसके पति को पता न चले। शाम को जब एड घर जा रहा था तो रास्ते में उसे गैलॉर्ड मिलता है और उससे बात करने पर एड को पता चलता है कि कॉनी ने पिछले काफी समय से उससे बात नहीं की थी। और ये सुनकर एड समझ जाता है कि कॉनी ने उससे झूठ बोला। इसी रात जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा था और कॉनी उसके पास आती है तो एड उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, जिसका जवाब वो हां के रूप में देती है और जानबूझकर अनजान बनती है। उसके बाद आए दिन कॉनी पॉल से मिलने जाया करती थी और वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं, जहां एक दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आए थे
और वहां आया बिल कोनी को पॉल के साथ देख लेता था। उस रात जब कोनी बाथटब में नहा रही थी तो एड उसके साथ बैठ जाता है, जो कि कोनी के साथ आज रात गुलुगुलू करना चाहता था, लेकिन कोनी का मूड नहीं था और वो चली जाती है। और एड को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगली सुबह एड कोनी को उसके साथ आज लंच करने को कहता है, लेकिन आज वो पॉल से मिलने जाने वाली थी, इसीलिए वो बहाना मार देती है कि उस जॉर्जियाना नाम के एक ब्यूटी पार्लर में जाना है। लेकिन जब ऑफिस जाके एड उस ब्यूटी पार्लर में कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वहां कोनी का नाम से किसी भी औरत का आज अपॉइंटमेंट नहीं है। वहीं जब कोनी पॉल के अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी तो उसे उसकी दो सहेलियां मिलती हैं, जो उसे जबरदस्ती उनके साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाती है। यहाँ पर जब कॉल करके कोनी पॉल को बताती है कि वो उसके घर के सामने वाले रेस्टोरेंट में है, तो वो भी उस रेस्टोरेंट में आ जाता है और फिर वो दोनों वहाँ के एक बाथरूम में जाकर खूब घपा घप करते हैं। खैर, एक तरफ हम देखते हैं कि जब बिल की लापरवाही देखकर एड उसे काम से निकाल देता है, तो बिल गुस्से में आके उसके परिवार के बारे में कुछ ऐसा बोल जाता है कि अब एड का शक यकीन में बदल गया था, इसीलिए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करता है उसकी बीवी पर नजर रखने के लिए। वही कोनी पॉल के ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि वो घर का काम भी ठीक से नहीं कर पा रही थी, जिसके बाद रात में डिनर करते वक्त एड उसे बताता है कि उसे कुछ दिनों के लिए शिकागो जाना पड़ेगा। और अगली सुबह वो कोनी को बाय बोले बिना ही चला जाता है। उसके जाते ही कोनी तैयार होकर पॉल से मिलने जाने लगती है और वो दोनों एक मूवी थिएटर में गुलुगुलू करते हैं, जहां जब वो बाहर आते हैं तो एड का जासूस उन दोनों की तस्वीरें ले रहा था। आज कोनी पॉल के साथ इतना मजा कर रही थी कि वो चार्ली को स्कूल से लाना ही भूल गई और इसी चीज को लेकर वो बहुत दुखी थी और रो रही थी। वहीं पर एड को उसका जासूस कोनी और पॉल की तस्वीरें दिखाता है और उसका सारा कच्चा चिट्ठा उसे पता चल जाता है। एक तरफ कल जो हुआ उससे कोनी बहुत गुस्सा थी और वो पॉल के पास जाकर उनके रिश्ते को खत्म करने वाली थी, लेकिन तभी उसके घर के बाहर वो पॉल को दूसरी लड़की के साथ देखती है, जहां उन दोनों का पीछा करते हुए वो एक लाइब्रेरी में जाती है और पॉल के ऊपर गुस्सा करने लगती है। पॉल उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाने लगता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोनी उसकी एक नहीं सुन रही थी, जहां पॉल उसे पकड़कर उसे छूने लगता है और थोड़ा मना करने के बाद कोनी भी उसके साथ देने लगती है, जहां वो उनके गलियारे में ही इंटीमेट होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पॉल के अपार्टमेंट के बाहर एड खड़ा था और जब वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है तो पीछे से कोनी इस बात से अनजान है कि उसका पति वहां पर मौजूद है। वो जल्दी से चली जाती है। उसके थोड़े टाइम बाद एड पॉल के पास आता है और उसे बताता है कि वो कोनी का पति है। पॉल ये सुन के चौंक जाता है और कुछ कह नहीं पाता। एड उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है और सारी चीजें देखने लगता है, जहां पॉल से बात करने पर उसे पता चलता है कि ये वही आदमी है जिससे कोनी उस तूफान वाले दिन मिली थी। एड को बहुत सी बातें पता चलती हैं, जिससे उसका दिमाग खराब होता है, लेकिन वो खुद को किसी तरह काबू में रखता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जो गिफ्ट उसने कोनी को उनकी सालगिरह वाले दिन दिया था, वो गिफ्ट उसने पॉल को दे दिया है, तो उसे कुछ होने लगता है और वो पॉल के सर में वार करने लगता है, जिसका खून निकलने लगता है और वो जमीन पर गिर के वहीं मर जाता है। एड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन फिर वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और उस अपार्टमेंट की सारी चीजों में से अपने उंगलियों के निशान मिटाता है और फिर पॉल की लाश को ले जाने लगता है। अभी उसके फोन में कोनी का वॉइस मेल आता है, जिसमें वो पॉल से ब्रेकअप कर रही थी। ये सुनकर एड में और भी हिम्मत आती है और वो पॉल की लाश को अच्छे से पैक करके उसकी गाड़ी की डिक्की में डालता है और जल्दी से उसके बेटे की स्कूल पहुंचता है, जहां आज उसकी परफॉर्मेंस थी। एड वहां के बाथरूम में खुद को साफ करता है और फिर कोनी के पास आकर बैठ जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जब एड चार्ली को घर ले जा रहा था, तो पीछे से एक गाड़ी वाला उसकी गाड़ी को गलती से टक्कर मार देता है, जिससे एड की गाड़ी की डिक्की खुल जाती है, लेकिन वो किसी तरह उसे बंद करता है और हड़बड़ी में वहां से चला जाता है। रात में जब कोनी सो रही थी तो एड एक कूड़े के ढेर में जाके पॉल की लाश को फेंक आता है और अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से साफ करता है, लेकिन फिर भी उसे पूरी रात नींद नहीं आती और इसी वजह से अगली सुबह चार्ली और कोनी को वो थोड़ा बदला बदला लगता है। जिसके बाद जब एड ऑफिस चला जाता है तो कोनी के पास दो डिटेक्टिव्स आते हैं, जो उसे बताते हैं कि पॉल गायब हो गया है और उनको उसके अपार्टमेंट में कोनी का नंबर मिला, जहां कोनी को पता चलता है कि वो शादीशुदा था और उसका तलाक हो चुका था, जहां वो बहाना बना देती है कि वो तो बस उसके पास कुछ किताबें खरीदने गई थी, जहां वो डिटेक्टिव्स अपना कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं। एक दिन एक रेस्टोरेंट में कोनी जब एड को ये बात बताती है तो उसे काफी ताज्जुब होता है। जिसके बाद एक दिन जब एड और कोनी ने उनके घर पे पार्टी रखी थी, तो उसी दिन उस कूड़े के ढेर में एक आदमी को पॉल की लाश मिल जाती है, जहां अगले ही दिन
वो दोनों डिटेक्टिव्स वापस एड और कोनी के पास आते हैं और जब वो उनको बताते हैं कि पॉल अब इस दुनिया में नहीं रहा तो ये सुन के कोनी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो खुद को काबू में रखती है क्योंकि पुलिस जानती थी कि वो 4 हफ्ते पहले पॉल के अपार्टमेंट के पास से गुजरी थी। लेकिन कोनी एक और बहाना मार देती है कि वो तो बस उसकी सहेलियों के साथ एक रेस्टोरेंट में कॉफी पी रही थी। खैर उसके बाद एड उन दोनों को वहां से जाने को कहता है और सबके जाने के बाद कोनी रोने लगती है। अगले दिन जब कोनी एड के कपड़ों को धुलवाने के लिए दे रही थी तो उसकी जेब में से उसे एक लिफाफा मिलता है जिसमें उसकी और पॉल की तस्वीरें थीं, जहां वो जान गई थी उसकी पोल खुल गई है। लेकिन एड उसके सामने ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। जिसके बाद रात में जब वो लोग उनके दोस्तों के साथ ड्रिंक्स पी रहे थे तो कोनी का ध्यान उस स्नो ग्लोब पर जाता है जो उसने पॉल को गिफ्ट कर दिया था और ये देखकर वो सारा मांजरा समझ जाती है। सबके जाने के बाद जब वो एड से पूछती है कि तुमने क्या किया है तो एड गुस्से में आके सब बता देता है और कहता है कि मैं पॉल को नहीं तुम्हें मारना चाहता था। ये सब सुनकर कोनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसका बेटा उसके पास आता है जिसने सुसु कर लिया था। उसे देखकर कोनी कहने लगती है कि मैं और तुम्हारा पिता हमेशा तुमसे प्यार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और अगली सुबह जब एड चार्ली को अपनी गोद में बिठाकर पियानो बजा रहा था तो कोनी को उस स्नो ग्लोब के अंदर से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उनके परिवार की तस्वीर थी। और जब वो दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके बीच अभी भी प्यार बाकी था। जिसके बाद कोनी उन फोटोज को जला देती है और उसे ख्याल आता है कि काश उस दिन वो पॉल के अपार्टमेंट में जाने के बदले उस टैक्सी को रोक के वहां से चली जाती तो आज उन सब की जिंदगी कुछ और होती। तभी उसके पास एड आता है और कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि हम इस मुसीबत का साथ में सामना करेंगे। जिसके बाद वो एक नीलामी में जाते हैं जहां डांस करते हुए एड और कोनी इंटीमेट होने लगते हैं। और जब रात में वो घर वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक जगह वो अपनी गाड़ी रोकते हैं। यहाँ पर कोनी कहने लगती है कि हमें देश छोड़कर चले जाना चाहिए और एक बीच हाउस में अपना नाम बदलकर पूरी जिंदगी बिता देनी चाहिए, जहाँ वो दोनों गले मिलते हैं और हम देखते हैं कि वो एक पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।